गुड मॉर्निंग एवरीवन स्टूडेंट्स, आवर टुडेज टॉपिक साउंड क्लास टॉपिक द स्टेट गवर्नमेंट। इन प्रीवियस क्लास वी रेड अबाउट द लोकल गवर्नमेंट, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्टेट गवर्नमेंट। इन इंडिया देर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटोरीज। स्टेट गवर्नमेंट, वी हैव स्टडीड द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। आर्टिकल फर्स्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज, आर्टिकल फर्स्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट इंडिया दैट इज नेम्ड भारत ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। As we have President, PM, Council of Ministers at state level, same as central level, जैसे PM, President, Cabinet, ये सब central level पे होती है, same as state level पे भी होती है, Governor, CM एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओके स्टूडेंट्स, स्टेट गवर्नमेंट हैव थ्री विंग्स, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधानपालिका। India is divided into 28 states and union territories. The legislature can be two types. Named unicameral or bicameral. Unicameral एक पक्षीय या एक सदनीय, bicameral द्विसदनीय। देखिए बहुत सारे states में एक सदनीय, एक पक्षीय होती है, ये जो गवर्नमेंट होती है, और बहुत सारे स्टेट में टू पक्षीय होती है। जैसे कि कुछ एग्जांपल है हमारे पास जिनमें टू पक्षीय गवर्नमेंट है, बिहार है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है एंड यूपी, जेएनके। स्टूडेंट्स, लेट वी नो अबाउट विधानसभा एंड विधान परिषद। वी कैन एक्सप्लेन इट एंड डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो अबाउट द कंपोजिशन ऑफ विधानसभा एंड द कंपोजिशन ऑफ विधान परिषद। कंपोजिशन, इनका संगठन कैसे होता है, कैसे ये बनती है। द टोटल नंबर ऑफ एमएलए ऑफ विधानसभा मैक्सिमम 500 एंड लेस देन 60। मोर देन 500 नहीं होने चाहिए और 60 से कम नहीं होने चाहिए। बट मिजोरम, सिक्किम एंड गोवा हैव लेस देन 60 एमएलए। मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, एमएलए डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। दिस MLA elected by elections. The state is divided into different constituencies. Constituencies निर्वाचन क्षेत्रों में पूरे स्टेट को छोटी छोटी constituencies में, निर्वाचन क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया जाता है and each constitution is has a candidate. हर constituency से एक कैंडिडेट चुना जाता है
और उस कैंडिडेट को एमएलए कहते हैं। नेक्स्ट एलिजिबिलिटी, नहीं सॉरी, नाउ वी नो अबाउट द कंपोजिशन ऑफ विधान परिषद और इसको हम लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कह सकते हैं। वन थर्ड मेंबर आर इलेक्टेड बाय एमएलए। कंपोजिशन कैसे होता है इसका? इसके जो वन थर्ड पर्सन है आर इलेक्टेड बाय एमएलए। इसके वन थर्ड पर्सन एमएलए के द्वारा इलेक्ट किए हुए होते हैं विधान परिषद के, और वन थर्ड इलेक्टेड बाय लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा इलेक्ट किए हुए होते हैं। वन थर्ड लोकल गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा इलेक्ट किए हुए होते हैं। नेक्स्ट, 1/6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर। 1/6 नॉमिनेटेड बाय गवर्नर इन वेरियस फील्ड्स। देखिए टोटल मेंबर्स में से 1/6 गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, जो अपने अपने फील्ड में फेमस होते हैं। जैसे कोई अच्छा ऑथर हो, कोई अच्छा प्लेयर, या फिर कोई अच्छा टीचर, कोई अच्छा सोशल वर्कर एक्सेट्रा। 1/12 इलेक्टेड बाय टीचर एंड बचे हुए जो 1/12 हैं आर इलेक्टेड बाय द ग्रेजुएट ऑफ द स्टेट। द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। नाउ वी नो अबाउट द एलिजिबिलिटी ऑफ मेंबर्स। किसी भी मेंबर के लिए विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग का मेंबर होने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कुछ कंडीशंस होनी चाहिए। वो क्या क्या होती हैं? इन विधानसभा, टू बी एन एमएलए ऑफ पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए बेटा, सिटीजन ऑफ इंडिया यहाँ भी होता है और विधान परिषद में भी जो पर्सन होते हैं, इलेक्टेड पर्सन होते हैं, वो सिटीजन ऑफ इंडियन होने चाहिए। नेक्स्ट, क्वालिफिकेशन ऑफ मे बी प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ मे बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के द्वारा जो लॉ बनाए जाते हैं उनके जो रूल्स को फॉलो होने चाहिए, उनके पार्लियामेंट के द्वारा बनाए हुए रूल्स फॉलो होने चाहिए, और एज होनी चाहिए नॉट बी लेस देन 25 और यहाँ एज 25 होनी चाहिए, 25 से लेस देन नहीं होनी चाहिए, और इसमें 30 से लेस देन एज नहीं होनी चाहिए इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ विधानसभा एंड विधान परिषद। नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट द टर्म इन बोथ द इलेक्टेड द विधानसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड फॉर 5 years। सम कैंडिडेट्स इंक्रीज एंड डिक्रीज। देखिए बेटा, विधानसभा 5 टर्म के इयर्स के लिए होती है।
लोकसभा के मेंबर्स 5 इयर्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं, जबकि ये एक परमानेंट बॉडी नहीं होती, ये एक परमानेंट बॉडी होती है। ये एवरी 5 इयर्स के बाद डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन ये कभी डिजॉल्व नहीं होती आफ्टर एवरी 2 इयर्स। इसके 1/3 मेंबर रिटायर हो जाते हैं और एवरी मेंबर 6 इयर के लिए इलेक्ट किया जाता है। ये एवरी 5 इयर्स के बाद डिजॉल्व हो जाती है, फिर से इलेक्शन होते हैं और फिर से नई गवर्नमेंट बनती है, लेकिन ये एक परमानेंट बॉडी है, ये कभी भी पूर्ण रूप से डिजॉल्व नहीं होती। एवरी 6 इयर के बाद जो इसके 1/3 मेंबर्स हैं, वो रिटायर हो जाते हैं, उनकी जगह नए मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है और एवरी मेंबर्स फॉर 6 इयर्स के लिए इलेक्ट किया जाता है। नाउ वी अंडरस्टैंड द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स। प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स, इट हैज द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। देखिए बेटा, विधानसभा में प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स में मेन हेड स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। स्पीकर प्रिसाइड्स द मीटिंग ऑफ द मेंबर ऑफ विधानसभा। इन द एब्सेंस ऑफ स्पीकर, डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड्स दीज मीटिंग्स। द फंक्शन ऑफ प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन स्टेट। ओके, नाउ the presiding officers in Vidhan Parishad, Vidhan Parishad mein chairman or vice chairman, hote hain। ye विधान परिषद या लेजिस्लेटिव काउंसिलिंग के मेंबर्स की मीटिंग को प्रिसाइड्स करता है। इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन, वाइस चेयरमैन प्रिसाइड्स द मीटिंग ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। फंक्शन ऑफ लेजिस्लेटिव, आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा डिफरेंस एंड एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच हाउस। फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, द फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर विधान पालिका, स्टेट लेजिस्लेचर राज्य विधान पालिका। ओके, मेकिंग लॉ, देखिए मेन फंक्शन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज मेकिंग लॉ। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट्स के फंक्शंस बांटे गए हैं अलग अलग, तो उनमें से जो स्टेट गवर्नमेंट
लाभ जिन मुद्दों पर लाभ बनाती है वो स्टेट लिस्ट के होते हैं। स्टेट लिस्ट सेंट्रलिस्ट के जो जितने भी फंक्शन होते हैं उन पर जो लॉ बनाने का राइट होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। स्टेट लिस्ट में जितने भी मुद्दे आते हैं, जितने भी मामले आते हैं उन पर लॉ बनाने का पूर्ण राइट स्टेट लिस्ट नहीं स्टेट गवर्नमेंट का होता है। सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लिस्ट में कौन कौन से फंक्शंस आते हैं, जैसे पुलिस है, एग्रीकल्चर है, फिशर्स है, लैंड रिफॉर्म्स है, लैंड रिवेन्यू है, डाइवोर्स के कुछ डाइवोर्स के जो मामले होते हैं इनके ऊपर, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वाटर से रिलेटेड जितने भी मामले होते हैं उन पर लॉ बनाने का राइट स्टेट गवर्नमेंट का होता है। नेक्स्ट, हाउ टू मेक लॉ। देखिए बेटा, हम पढ़ते हैं कि कंट्री में लॉ को मेंटेन रखना चाहिए, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये लॉ कैसे कौन होते हैं, कैसे बनते हैं, इनके पीछे पीछे जो प्रोसीजर होता है वो क्या होता है। अब हम किसी एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसे लॉ बनते हैं, या जो पहले के बने हुए लॉ हैं उनमें अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होते रहते हैं उनमें कुछ, तो वो चेंज कैसे होते हैं, क्या प्रोसीजर होता है, वो हम यहाँ पढ़ेंगे। ए प्रपोजल टू पास ए न्यू लॉ और टू चेंज वन इज कॉल्ड बिल। देखिए बेटा, कोई भी न्यू लॉ बनाने के लिए, न्यू लॉ बनाने के लिए या किसी लॉ में चेंज करने के लिए जो पहले न्यू लॉ बनाने के लिए या किसी लॉ में चेंज करने के लिए जो प्रपोजल आता है उस प्रपोजल को बिल कहते हैं। लॉ बनने से पहले उसको बिल कहा जाता है। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस। बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउस, किसी भी हाउस में आ सकता है, विधानसभा और विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, किसी भी हाउस में आ सकता है। बट जो मनी बिल है, जिसको हम मनी बिल वित्त वित्त या मनी से संबंधित जो बिल है वो केवल और केवल लेजिस्लेटिव असेंबली में ही पहले दिए जाते हैं। बिल डिस्कस्ड एंड डिबेटेड इट इज अ वोट इन बोथ हाउसेस। देखिए बेटा, बिल को पेश किया जाता है बोथ हाउसेस में, और उन बिल के पेश होने के बाद उन पर डिस्कशन होता है, एक लंबा प्रोसीजर होता है डिस्कशन का, फिर उसके ऊपर डिबेट करवाया जाता है बोथ हाउसेस में। डिस्कशन और डिबेट के बाद उस बिल को, उस बिल के ऊपर वोटिंग करवाई जाती है बोथ हाउसेस में, और जिस बिल को ज्यादा मेजोरिटी मिलती है, ज्यादा मेजोरिटी जहां मिलती है, या तो बिल के पास होने में या बिल पास ना होने के में, वही माना जाता है। अगर किसी बिल को पास करवाना है और उसकी वोटिंग है वो मेजोरिटी में है तो वो बिल पास माना जाता है। पास बोथ हाउसेस में पास होने के बाद इसको किसके पास भेजा जाता है आगे, जो When it passed by the both houses, it sent to the governor. It becomes a law after the government assent. देखिए, दो both houses में पास होने के बाद गवर्नर के पास भेजा जाता है, गवर्नमेंट असेंट करने के बाद गवर्नमेंट
गवर्नर के साइन करने के बाद वो जो बिल है वो किसमें चेंज हो जाता है, लॉ बन जाता है, कानून बन जाता है, द स्टेट एक्सिक्यूटिव। Now we know about the state executive. It consists of governor, CM and council of minister. देखिए बेटा executive कार्यपालिका, this is विधान पालिका and this is न्यायपालिका। अब कार्यपालिका में कौन कौन होते हैं, governor, CM, council of ministers, ये इसमें काम करते हैं। स्टेट एक्सिक्यूटिव में कौन कौन होता है, गवर्नर होता है, सीएम होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, अब हम इनके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। फर्स्ट गवर्नर, किसी भी स्टेट को अच्छे से मेंटेन करने के लिए गवर्नर, सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं अच्छे से। तो इसमें गवर्नर का क्या रोल होता है, गवर्नर, देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट, सम पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज गवर्नर फॉर टू और मोर स्टेट। ईच स्टेट में गवर्नर होता है, गवर्नर एक से ज्यादा स्टेट्स में भी, एक ही गवर्नर को एक स्टेट से ज्यादा में भी उसको गवर्नर बनाया जा सकता है। गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, स्टेट का नॉमिनल हेड होता है। गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट, ही इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर 5 years। गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर 5 years। अगर प्रेसिडेंट को गवर्नर के किसी फंक्शंस में ठीक से काम, उसको लग रहा हो कि वो ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो उसको 5 years से बिफोर भी उसको डिजॉल्व कर सकता है, उसको उसके पद से हटा सकता है। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन, एक गवर्नर होने के लिए क्वालिफिकेशन, ही शुड बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, द एज, ही शुड हैव कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 years, कम से कम एज उसकी 35 years तो होनी ही चाहिए, इससे कम नहीं होनी चाहिए, इससे ज्यादा हो सकती है। ही हैज नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, वो बेटा किसी लाभ के पद पर ना हो, मतलब कोई ऐसा सरकारी दूसरी जॉब, सरकारी जॉब वगैरह कहीं ना करता हो, अगर करता हो तो गवर्नमेंट बनने, गवर्नर बनने से पहले उसको वो जॉब छोड़नी होती है। पावर एंड फंक्शन, पावर एंड फंक्शन, ही अपॉइंट्स द लीडर ऑफ मेजोरिटी पार्टी ऑफ एससीएम। देखिए बेटा जब हम यहाँ से इलेक्ट अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके विधानसभा में भेजते हैं, तो गवर्नर का मेन फंक्शन होता है कि जो मेजोरिटी पार्टी को का जो लीडर होता है उसको सीएम बनाना, और सीएम की एडवाइस के ऊपर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाना, उसके बाद ही प्रोवाइड एवरी मिनिस्टर हिज पोर्टफोलियो, वो उसके उनके अलग अलग विभागों का बंटवारा कर देता है सीएम की एडवाइस पर,
ओके, और उनको शपथ दिलवाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को. व्हेन नो पार्टी नहीं सॉरी ही अपॉइंट द मिनिस्टर एडवाइस ऑफ सीएम ही मेक्स द अपॉइंटमेंट्स ऑफ. देखिए स्टेट के कुछ जो बड़े पद होते हैं जैसे महाधिवक्ता का हुआ, एडवोकेट जनरल, या फिर जो बड़े पद होते हैं हमारे स्टेट्स के, उनका भी उनको भी अपॉइंट गवर्नर के द्वारा ही किया जाता है. नेक्स्ट, अगर बहुत कई बार किसी वोटिंग टाइम में किसी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिल पाती है या दोनों को इक्वल वोट्स मिलते हैं, ऐसी कंडीशन में गवर्नमेंट को ये गवर्नर को ये राइट होता है कि वो अपनी स्वेच्छा से किसी भी पार्टी के लीडर को सीएम चुन सकता है. दीज आर द फंक्शंस ऑफ गवर्नर. नाउ वी नो अबाउट द सीएम और चीफ मिनिस्टर. सीएम या चीफ मिनिस्टर, वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द इलेक्शन फॉर एमएलए. देखिए बेटा एमएलए का इलेक्शन कैसे होता है यह हम वैसे तो पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको फिर बता रही हूं कि एवरेज स्टेट्स को इलेक्शन के समय एवरेज स्टेट्स को कुछ कॉन्सिक्वेंसेस में डिवाइड कर दिया जाता है और हर कॉन्सिक्वेंसी का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है. वो जिस एरिया का रिप्रेजेंटेटिव होता है वो जब वोटिंग होती है और लोग उसको मेजोरिटी से जिताकर विधानसभा में भेजते हैं तो वो अपने एरिया के पीपल्स का अपने एरिया के पीपल्स के जो मुद्दे हैं वो विधानसभा में रखता है और वो एमएलए के नाम से जाना जाता है. और इन ये एमएलए अपना एक लीडर चुनते हैं और इलेक्शंस में विन होने के बाद जिस पार्टी को मेजोरिटी मिलती है उस पार्टी के मेजोरिटी मिलने से उस पार्टी के लीडर को सीएम एमएलए सीएम चुन मतलब अपनी इच्छा से लीडर चुनते हैं एमएलए और उसी को सीएम बनाया जाता है गवर्नर के द्वारा. द पार्टी हैज फॉर्म द गवर्नमेंट का रूलिंग पार्टी. जो पार्टी गवर्नमेंट बनाती है नोन एज रूलिंग पार्टी और जो इसके अपोजिट बैठती है जिसको बहुमत नहीं मिलता है दे डोंट गेट मेजोरिटी नोन एज अपोजिशन. ओके, टर्म सीएम एंड मिनिस्टर ऑफ काउंसिल. सीएम और उसकी जो मिनिस्टर ऑफ काउंसिल होती है वो 5 ईयर के टर्म्स के लिए इलेक्ट किए जाते हैं. 5 ईयर्स के टर्म के लिए इलेक्ट किए जाते हैं. अगर कोई सीएम या फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई भी अगर सीएम अपना फंक्शन ठीक से नहीं करते हैं, अपने कार्य ठीक से नहीं करते हैं तो लोग उसको नेक्स्ट इलेक्शन में हरा देते हैं और नया सीएम चुनते हैं. इसी प्रकार से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अपना कोई फंक्शन ठीक से नहीं करता है तो इसी प्रकार से नेक्स्ट इलेक्शन में जो पीपल होते हैं जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से वो विन होके आया है वो पीपल उसको नेक्स्ट इलेक्शन में हरा देते हैं. तो इस तरीके से ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं सीएम और ये जो एमएलए होते हैं ये जिस एरिया से जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी से विन होकर आते हैं ये उस एरिया के प्रति रेस्पॉन्सिबल होते हैं. उनके बिहाफ पर उनके मुद्दों को विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली में उनको रखते हैं. नेक्स्ट, पावर एंड
फंक्शंस, चीफ मिनिस्टर्स के पावर एंड फंक्शंस। जैसे गवर्नर नॉमिनल हेड होता है, लेकिन सीएम रियल हेड होता है स्टेट के। जितने भी स्टेट को लेकर जितने भी बड़े मुद्दे होते हैं, उन पर निर्णय लेने का अधिकार सीएम को होता है। ही सुपरवाइज द वर्क ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सीएम जो उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, उनके वर्क को ऑब्जर्व करता है, वो लोग अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ही डिस्ट्रीब्यूट पोर्टफोलियोज टू मिनिस्टर्स। वो अपने मिनिस्टर्स को अलग अलग विभागों का बंटवारा करता है कि कौन से मिनिस्टर को कौन सा काम देना चाहिए, कौन सा, जैसे कि किसी को एग्रीकल्चर फील्ड दिया जाता है, किसी को हेल्थ फील्ड दिया जाता है। इस तरीके से उनको अलग अलग विभागों का बंटवारे करने का काम सीएम का होता है। ही presides over the meeting of cabinet and council of minister. Communities are decision taken by the governor. देखिए बेटा, जितने भी वो council of ministers की और cabinets